वाह भैया वाह, चरणामृत भगवान का लेने के बाद पहले उसको अपने मुख में पान करो, जो शेष हाथ में लगा रह जाए, शिरोधार याभ्यम उसको अपने मस्तक पर ऐसे पूछो, हे गोविंद आपका जो चरणामृत है मैं इसको अपने हृदय में धारण करने के बाद इसे अपने सिर पर भी धारण करता हूं। शिरोधार याम्यहम, सिर पर मैंने इसको धारण किया है, मेरी बुद्धि मेरा मस्तिष्क ये भी शुद्ध हो जाए। शालिग्राम भगवान का चरणामृत अमर बनाने वाला है। शालिग्राम भगवान की जो प्रतिमा है इसका ऐसा नियम है कि ये विषम संख्या में रखनी चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7 शालिग्राम की शिला ऐसे रखनी चाहिए। बनते हैं दूर्वा कभी भी दुर्गा देवी को नहीं चढ़ानी चाहिए, दूर्वा गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है गणेश जी को तुलसी अर्पण नहीं करनी चाहिए, दुर्गा देवी को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा भगवती स्वयं दूर्वा स्वरूप है, अपने गृह में गणेश की 2 प्रतिमा, देवी की 3 प्रतिमा ये नहीं रखनी चाहिए। शालिग्राम जो भगवान है इनको विषम संख्या में अपने गृह में विराजमान करना चाहिए। शालिग्राम जी को रोजाना स्नान कराना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, तुलसी दल शालिग्राम जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। शालिग्राम जी को यदि तुलसी का दल नहीं चढ़ता है तो दोष लगता है। हर बार आप कार्तिक महीने की कथा सुनते हैं, शालिग्राम जो भगवान विष्णु बने हैं वो कोई और के लिए नहीं, केवल केवल तुलसा वृंदा के लिए भगवान विष्णु शालिग्राम यानी पाषाण बने हैं। भगवान ने कहा है, आगे कथा में आएगा, वृंदा भगवान विष्णु को शाप देने लगी। भगवान ने कहा, हे वृंदा तू मुझको शाप मत दे, कलयुग में वनस्पतियों में तू तुलसा बनेगी और मैं शालिग्राम बनूंगा, तुझे अपने मस्तक पर धारण करूंगा और मेरे भोग में जब तक तेरा एक पत्र यानी एक पत्ता नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। 56 भोग मुझे कोई भी लगाए तुलसी के बिना मैं भोग नहीं लगाऊंगा। एक बार को शालिग्राम जी को भले ही भोग न लगे लेकिन तुलसा चढ़ना अति आवश्यक है। तुलसी चंदन शालिग्राम भगवान को अर्पण करना चाहिए। शालिग्राम की जो शिला है अगर हो सके तो परिक्रमा भी करनी चाहिए, चरणामृत प्रतिदिन लेना चाहिए। चरणामृत का हमारे यहां बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। एक बार को आप प्रसाद मत लीजिए लेकिन चरणामृत जरूर लीजिए। चरणामृत भगवान विष्णु का साक्षात गंगा जल है। साधारण जल लेके यदि हम भगवान विष्णु को
या शालिग्राम भगवान को चढ़ा देते हैं और चढ़ने के बाद जब वो जल आता है तो वो जल साधारण नहीं रह जाता, वो जल साक्षात गंगा जल और अमृत बन जाता है। चरणामृत को धारण करे, सिर में धारण करे, भगवान का चरणामृत ले। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है, जिन्होंने आज किया है, ये एक दिन का व्रत नहीं है, ये सारे जीवन में हर व्यक्ति का व्रत होना चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्य व्रत को धारण करेंगे। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, उन युगों में हर प्राणी अपने जीवन भर जीवन में सत्य का ही व्रत लेता था। अरे और तो और, जहां सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है ना, हर धर्म के अनुसार कोर्ट के अंदर भी कुछ गवाही देने से पहले या शब्द निकालने से पहले, कहने से पहले ये कसम और शपथ ली जाती है ग्रंथ पे हाथ रख के कि मैं जो भी कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। सोचिए, सच में, सत्य में कितना विश्वास भरा हुआ है हमारा देश, हमारा समाज, फैसला सुनाने वाला हमारा जज वो भी विश्वास करता है, चाहे वो कुछ कहे कुछ भी, लेकिन इतना बड़ा विश्वास है कि भाई धर्म हार धन कोई खाओ, सच की शपथ लेके, धर्म की शपथ लेके फिर भी अगर कोई झूठ बोलता है, भगवान को बीच में रख के अगर झूठ बोलता है तो अपने पाप का वो स्वयं भागी है और वो नरक में जाके स्वयं कष्ट भोगता है। सारे युगों में सब सत्य बोलते थे तभी आनंद था। मानस में लिखा हुआ है सत्य का आचरण करने वाला, सत्य का जीवन जीने वाला, अपने जीवन में सत्य बोलने वाला कभी दुखी नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए लगता तो है पर वास्तव में वो दुखी नहीं होता है। अंतउ स्वर्ग स्वल्प दुखदाई, अगर कोई देवता बन के स्वर्ग में बैठा हुआ है तो उसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि एक बार को स्वर्ग भी दुख देने वाला हो सकता है और होता है। स्वर्ग में हम जब तक बैठे हैं, जब तक हमारे पुण्य का फल है, इलेक्शन लड़ने के बाद 5 वर्ष के लिए पद मिला है, 5 वर्ष पूरे होते ही पद छोड़ना पड़ेगा, और भैया आगे समय मिल जाए तो उसके भाग्य की बात है। तो जैसे 5 वर्ष के लिए इलेक्शन लड़ने के बाद सेवा करने का या जो भी कुछ करने का अवसर मिलता है, ऐसे ही मनुष्य का जन्म पाने के बाद जितना हमारा जीवन काल है उतना समय हमें कुछ करने के लिए मिलता है। सोचो, 5 वर्ष में अगर हमने बढ़िया कर दिया है तो आगे चांस है, और बढ़िया नहीं किया है तो सीधी हरी झंडी है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। मनुष्य का जो शरीर है इसके लिए यही कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर है कि हम अपने 84 लाख योनियों में से
याद है ना, इलेक्शन लड़के मरमर के जीजी के मरमर के जीजी के कुछ वर्षों के लिए मानव के शरीर में आए हैं। अगर इसमें बढ़िया कर जाएंगे तो आगे मानव का शरीर फिर तैयार है, और बढ़िया नहीं किया तो दोबारा फिर ये शरीर मिलने वाला नहीं है। आज का अध्याय, आज की कथा का यही सार है। अपने जीवन में जितना बने गाय, गुरु, गायत्री और गंगा, चारों को धारण करो। अपने जीवन में हरि भजन बढ़ाओ, भगवान की भक्ति को जीवन में बसाओ और सत्य को धारण करो। यही वास्तव में सच्चा जीवन है। बोल विष्णु भगवान की। अरे बोलो मन गोविंद कृष्ण हरि, बोलो मन सूर प्रभु ना।